अपने YouTube पर आपका स्वागत करती हूँ। और आप लोग कैसे हो? और देखो आज हमारे ना नाश्ते में पकौड़ियाँ बन रही है। दिखा दीजिए करोड़ के पास। देखो पकौड़ियाँ बन रही है और हम सब लोग बैठे हैं। और देखो मेरी दीदी बना रही है पकौड़ियाँ। और देखो मेरी नंदे हैं, दीदी खड़ी हुई है, एक बैठी है नीचे, एक नीचे बैठी हुई है। देखो गाइस कितना अच्छा व्यू। मुस्कान के खेत में मुस्कान के सर में पेड़ होगा। कितना प्यारा व्यू है देखो यहाँ का। सुन रही हो? हमारे सारे मुस्कान के सर में पेड़ होगा। ले वो मम्मी वहाँ फोटो बहुत फोटो बहुत अच्छी आवत है गाँव में। वो हमारा देखो फोटो खिंचवा रहे हैं। और यहाँ का व्यू आज बैठी ना हमें बहुत ही गाड़ी में बैठ जा उन्हें रोकी हुई लाई तो बैठ व्यू कितना अच्छा है। घूमने मिला वैसे ही है इस टाइम तो बैठ जाके घर में जाएगी। मेरी शान है बस तुमसे ही। गाइस ये है पागल बच्चे, ये जो बदतमीजी कर रहे हैं सारे की सारे। देखो इतने बड़े होके शर्म नहीं आ रही। हेलो गाइस, मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पे मेरे बाबा जी ने मंदिर बनवाया था गायत्री माता का, तो अब मैं दिखाती हूँ आपको। और ये है भोले बाबा का मंदिर। और देखो हमारे यहाँ बच्चे शैतानी कर रहे हैं। भाई क्या हमारा मंदिर है? हाँ यहाँ अपने बागी हमारे रहे नहीं और उन्होंने गायत्री माता का मंदिर बनाया है। कई मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है, देख लो यहाँ आश्रम बना हुआ है पूरा। हाय 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 बैठो, हमें पहले भी की जा रहे हैं। मैं तो नहीं जा रही हूँ, देखिए सारे खराब हो गए हैं। घूम गई है, चलो कर लो आ जा दीदी ना बैठ। और देखो यहाँ कितनी हरियाली है आप देखना, यहाँ बहुत बड़ा आसन है। बहुत बड़ा आसन बनाया है और यहीं बराबर में पुलिस चौकी है। और देखो ये साइकिल चला रहा है। मामी ये भी तो वैसे घूम जाएगा। और देखो ये फोटो खिंचवा रहे हैं सब लोग। अपने आते हैं फोटो तो खिंचवाएंगे ना। यहाँ आश्रम बना हुआ है सारे में। अभी गायत्री माता के मंदिर भी जाएंगे अभी हम लोग। और बताना यहाँ का आपको कैसे कैसा लगा मेरा गाँव, और कमेंट्स में बताना। देखो ये हनुमान बाबा का मंदिर। हाय गाइस, ये मेरी नंदू है। हनुमान जी का, हनुमान जी का है ये मंदिर। हाँ ये तो हनुमान जी का मंदिर।
अब तो बहुत सारी घास आ गई यहाँ पे। अच्छा लगेगा। हाँ जब आए थे जब हवन किया था नौकुंडी का जब नहीं है। हाँ बारिश हो गई है पेड़ पौधे। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर सारे में हरियाली हरियाली है। यहाँ पे बाबूजी ने नौकुंडी हवन करवाया था इसी आश्रम में बाबूजी ने हमारे ना। और जो गायत्री परिवार से जुड़े होंगे उनको तो पता होगी कि यहाँ पे नौकुंडी हवन क्या होता है कैसा होता है। अब बाबूजी ने हमारे ना बहुत पूजा पाठ वाले थे, नंगे पैर रहते थे गाइस। मैंने तो मेरी शादी हुई तब से मैंने देखा ही नहीं कि उनको मैंने चप्पल पहनते हुए, वो चप्पल भी नहीं पहनते थे। बहुत ही 8 साल की उम्र से ही उन्होंने पूजा स्टार्ट कर दी थी गायत्री माता की। वो बहुत सिद्ध पुरुष थे। सारा देखा